1971 में इंडिया में कोलकाता में पहला ली टाइगन बॉर्न हुआ। 1943 में जर्मनी के एक जू में पहला ली लाइगर बॉर्न हुआ। फिर 1983 में कैलिफोर्निया में पहला टी टाइगन बॉर्न हुआ और यूएसए में बहुत सारे टी लाइगर कैप्टिव कंडीशन में रखे गए हैं। साइंटिस्ट ने बाद में लायन और लेपर्ड का पेयरिंग किया और उससे जो स्पीशीज पैदा हुई उसको बोलते हैं लियोपॉन्स और लिपार्ड्स। और उसके बाद साइंटिस्ट ने टाइगर और लेपर्ड का भी मेटिंग किया और उससे जो स्पीशीज पैदा हुई उसको बोलते हैं टाइगर्स। सो मुझे लगता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि अगर आप लाइगर की बात करें तो उसका वेट होता है 500 to 800 kg। क्या आप सोच सकते हो कि किसी जंगल में लाइगर किसी डियर की शिकार कर सकता है? तो नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि जो नेचुरल चीजें हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और जो नेचर को हम मैनमेड बना रहे हैं, उससे अच्छा हमको इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि हम इसको फिर से इस नेचर को, इस नेचुरल थिंग को रिवाइव कैसे कर सके, उसको वापस कैसे ला सके।